हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करके आप जो भी प्रॉफिट जनरेट करोगे उस पे 30% फ्लैट इनकम टैक्स लगेगा। पर इस साल 1 जुलाई से वो 30% इनकम टैक्स तो लगेगा ही, साथ ही साथ 1% TDS भी कटेगा। जब भी आप वो अपना क्रिप्टो करेंसीज या कोई भी डिजिटल एसेट जो आप ऑन करते हो, जब आप उसे सेल करोगे। इस साल के यूनियन बजट में ये मेंशन था कि जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल होगा उस पे 1% TDS कटेगा। एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट में क्रिप्टो करेंसीज, NFTs वगैरह एंड मेटावर्स में अगर आप कुछ ऑन करते हो तो वो सारे आते हैं, क्योंकि सभी वर्चुअल हैं। सो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान के चलो आपने 1000 रुपए का कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदा एंड कुछ दिनों में वो बढ़ के 1100 रुपए हो जाता है। जब आप उसे सेल करने जाओगे तो आपका टोटल जो सेल वैल्यू होगा, जो कि हमारे केस में यहाँ 1100 रुपए, तो उस पे लगेगा 1% TDS। ठीक है, तो वो हो जाते हैं 1100 रुपए, प्लस जो आपका एक्सचेंज का फीस होगा, मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म से आप ट्रेड कर रहे हो उसका जो फीस होगा वो अलग। तो आप ये 1100 रुपए कटेंगे एंड आपके बिहाफ से जो भी आपका एक्सचेंज होगा वो ये 11 रुपए ले जाके गवर्नमेंट को क्रेडिट कर देगा आपके बिहाफ से, मतलब वो पैसे आपके हैं। एंड जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब आप वो TDS क्लेम कर सकते हैं। एक बात क्या ध्यान रखें कि बाइंग पे कोई भी TDS नहीं कटेगा। ओके, कोई भी आप या डिजिटल एसेट जब आप करेंसी से बाई करते हो, INR से बाई करते हो, ठीक है, पैसे से बाई करते हो, तो कोई भी TDS नहीं कटेगा। ठीक है, पर जब आप उसे सेल करते हो तो 1% TDS कटेगा। पर अगर आप किसी डिजिटल एसेट की मदद से कोई और डिजिटल एसेट खरीद रहे हो, ठीक है, मान के चलो कोई और करेंसी के मदद से आप कोई दूसरी करेंसी खरीद रहे हो, तब उस समय बाइंग पे भी 1% TDS कटेगा, साथ ही साथ सेल पे भी 1% TDS कटेगा। ठीक है, चाहे आप बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो 1% TDS कटेगा दोनों तरफ से। सो गाइस, जब अमाउंट छोटा हो तब देखने में ज्यादा नहीं लगेगा 1%। पर मान के चलो आपने 1,00,000 रुपए लेके आए हो मार्केट में, 1,00,000 रुपए से आप 10 बार ट्रेड लेते हो एंड बेचते हो साल में। ठीक है, 1,00,000 का आप ट्रेड लेते हो बेचते हो, तो 1% कटा तो कितना हो गया, 10,000। साल का 10,000 आप TDS दे रहे हो, पर ध्यान रखो कि आप इसे क्लेम कर सकते हो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो।